जब भारतीय लोगों की भीड़ गांधी देखते थे तो सबसे पहली चिंता उनको क्या होती थी, सफाई कैसे रहेगी। इसलिए उन्होंने कहा कि इसको ये सफाई का मामला है बहुत, यहाँ अगर गंदगी होगी तो बड़ा मुश्किल होगा, तो अच्छा है एक जगह खड़े रहने के बजाय हम बढ़ें, तो जहाँ से हमको सीमा क्रॉस करनी है उस सीमा की तरफ चलना शुरू करो। उसके लिए बाद में शब्द बना कूच, अहिंसक आंदोलन में कूच शब्द का व्यवहार सबसे पहले ये हुआ, जबकि ये खदान में काम करने वाले गिरमिटिया लोग, एग्रीमेंट जिन्होंने साइन की थी या अंगूठा किया था, वो लोग जिसमें शामिल हुए तो वो कूच हुए। अब कूच करते हैं तो गांधी ने कहा कि भाई कूच अगर करते हैं तो कुछ डिसिप्लिन होना चाहिए। तो क्या डिसिप्लिन होगा? रास्ते में चलते दक्षिण अफ्रीका की सड़कों पर इतने अच्छे वृक्ष हैं कि कभी कभी तो सड़क के ऊपर के पेड़ों पर भी फल लटकते हैं। तो कभी रास्ते में चलते कोई भी पेड़ अगर आएगा तो फल तो नहीं, पत्ती भी नहीं तोड़नी है। ठीक, जहां रात पड़ेगी वहां सोना है। ठीक, फिर गांधी ने स्वयं लिखा है, मैंने ये भी कह दिया कोई व्यसन नहीं करना है, लेकिन वो फिर साथ में लिखता है कोई व्यसन माने क्या, ये मैंने नहीं लिखा, मैंने ये तय किया कि लोग जो अपना अपना अर्थ करें वो, क्योंकि कोई किसी ने ये समझा कि चाय नहीं पीनी है, किसी ने समझा कि शराब नहीं पीनी है, किसी ने कुछ दूसरा समझा, तो जो अपना अर्थ करे ले, लेकिन हमने शर्त इतनी कर दी व्यसन नहीं कर ले, आप जो व्यसन समझ रहे हो वो मत करो, ये शर्त भी उसके साथ जोड़ दी। और एक बात ये कही, कोई सामने से, एक तो ये पहली शर्त तो ये थी कि सड़क पर एक किनारे ही चलेंगे, कोई यातायात में बाधा नहीं डालेंगे, और फिर दूसरी एक अंतिम शर्त जो थी वो ये थी कि कोई आकर गाली दे, कोई आकर प्रहार करे, कोई आकर आपको परेशान करे, तो उसका जवाब हम गाली से नहीं देंगे, हाथ हमारा नहीं उठेगा। 72-73 में जयप्रकाश के मुंह से हमने सुना था, हमला चाहे जैसा होगा हाथ हमारा उठेगा नहीं। 1913 के सितंबर महीने में गांधी के आंदोलन की शर्त ये थी कि चाहे जैसा हमला होगा हाथ हमारा उठेगा नहीं। इस शर्त के साथ चलने लगे, रुक जाते थे। पहली रात घास का एक मैदान था, वहीं रात पड़ी तो कहा आज तो रात सोना यहाँ है। शर्त क्या थी? कैप्टन पहले वहाँ सोएंगे। ये गांधी उस घास पर सोए तो फिर बाकी लोगों के फिर कोई प्रश्न ही नहीं था कि हम कहाँ ठहरे, हमारा बिछाना कहाँ, या हमको किस जगह सोना है। गांधी वहाँ सोए तो ये लोग भी सब वहाँ सोए, आगे बढ़ रहे हैं। एक जगह रसोड़ा बनाना पड़ा। गांधी ने कहा मैं एक जिम्मेवारी लेता हूँ, और आमतौर पर तो आसान मालूम होती है लेकिन शायद सबसे कठिन जिम्मेवारी गांधी ने स्वीकार की। क्या? परोसने की जिम्मेवारी मेरी। सबसे कठिन क्यों? क्योंकि एक के बाद एक टोलियाँ आती थी, कभी केले के बगीचे में से, कभी गन्ने के बगीचे में से, कभी कोयले की खदान में से, कभी हीरे की खदान में से शामिल होती थी। रसोड़ा चल रहा है, 500 लोगों के लिए रसोई की है, 100 लोग आधम के नए, तो उसमें केवल दाल में पानी डाल देने से तो होता नहीं, तो थोड़ा राशन कम करके ही खिलाना पड़ेगा। तो परोसने की जिम्मेवारी मेरी। एक लकड़ी का इतनी बड़ी चम्मच बनाकर उसमें से लेते थे, ये कतार में खड़ा रहना था, उनकी एल्यूमिनियम की छोटी छोटी प्लेट उसको लेकर खड़े हैं। उसका एक वर्णन जो आसानी से इसको पढ़ने वाले को मिलेगा नहीं, क्योंकि वो गांधी की आत्मकथा में भी नहीं है, और दक्षिण अफ्रीका का सत्याग्रह का इतिहास, ये गांधी की ये किताब बहुत पढ़ने लायक है, लेकिन उस किताब में भी ये नहीं है। ये तीसरी जगह वर्णन किया है। इंडियन ओपिनियन का एक विशेषांक निकला है, उसमें उसके एडिटर ने, उस समय के एडिटर ने मांग की थी कि इस आंदोलन के बारे में आप लिखिए, तो उस आंदोलन का इस प्रसंग का वर्णन उन्होंने लिखा है कि लाइन में खड़े हैं, मैं परोस रहा हूं, और एक महिला खदान में काम करने वाली एक महिला आई, उसने अपनी प्लेट रखी, और मैंने पहले तो ये सोचा था कि हर एक को एक एक पाव रोटी का टुकड़ा और चीनी इतना देंगे, और हमारे पास कुछ है नहीं, हम नहीं देंगे,
लेकिन हिंदी व्यापारियों ने कहा हम चावल देते हैं, किसी ने कहा हम दाल देते हैं, किसी ने कहा सब्जी देते हैं, तो सबकी खिचड़ी बनाकर देने का शुरू किया था, तो खिचड़ी बनी हुई थी। तो वो खिचड़ी निकाली और देने जा रहे हैं तो गांधी ने कहा कि मैंने उसकी आंखों में देखा कि मैं जो दे रहा हूँ उससे उसको समाधान है। 10 मील चली थी वो, भूख लगी हुई है और गांधी उसको परोस रहा है एक चम्मच से, चम्मच थोड़ी सी खिचड़ी। तो कह रहे और भाषा जानते नहीं, उसकी भाषा जानते नहीं। तो वो अपना बैठे हैं और वो पूछ रहा है कि ये, तो सिर्फ आँख से ताक रही है, गांधी का वर्णन है, आँख से ताक रही, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि वो पूछ रही इतना कम, और मैं आँख से जवाब दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास भी उसकी भाषा नहीं है, मैं उसके जो है वो इतना ही है। तो वो इतना ही मेरे आँख से उनका जो जवाब है वो तुरंत वहाँ से खिसक जाती है, पीछे लाइन में और जो है उसको आगे आने, इनको कहते रुम्ब संतोषम, मुझे पूरा संतोष है जितना मिला। उन्होंने लिखा है कि भारत की जनता भूखे पेट रहकर भी अपनी प्रतिज्ञा को निभाएंगे, इस चीज़ का विश्वास उसमें से उनको पैदा हुआ। लोकनायक वो हो सकता है जिसको लोक के बारे में श्रद्धा हो, केवल लोक को उद्धार करने के लिए निकलने वाला लोकनायक बने। इनको लोक के बारे में ये श्रद्धा थी कि भारत की जनता ऐसी है जो भूखे पेट रह सकेगी लेकिन फिर भी उच्च आदर्श के लिए त्याग और त्याग करने के लिए तैयार होगी। ये श्रद्धा, लोगों में श्रद्धा का जन्म अगर हो तो शायद उस घटना से उससे पहले ही मन में तो उनका होगा, लेकिन उसको लिखित रूप से उन्होंने उस समय वर्णन किया है। आगे चलते समय पहाड़ आते हैं, छोटे छोटे पहाड़ हैं लेकिन पहाड़ी झरने हैं, झरनों को ठेल कर जाना पड़ता है। ये तो आए थे अपने परिवार के साथ, तो कुछ माताओं के पास अपने बच्चे गोद में थे, वो गोद में उठाए चल रहे थे। कूदने में जब गए तो एक माता के हाथ से बच्चा खिसक गया और पहाड़ी झरना बहुत ज़बरदस्त उसका प्रवाह उसमें बह गया। हाहाकार, सारी कूद देख रही, अरे बच्चा गिर गया, गिर गया। वो क्या कहती है, माँ, माँ कह रही है जो गया है वो तो फिर आने वाला नहीं है, कुछ रुकेगी नहीं, मैं कुछ के साथ। ये था गांधी के दक्षिण अफ्रीका का सत्याग्रह, जिसका बच्चा पानी में उस समय गिरता है, माँ कहती है जो गया है वो आएगा नहीं, कुछ रुकेगी नहीं, मैं कुछ के साथ चलती हूँ। एक और बच्चा बीमारी के कारण मरा उस यात्रा में, दो लोग मरे थे वो बच्चे ही, तो दूसरा जो मरा उसकी भी माँ ने कहा कुछ रुकेगी नहीं, मैं कुछ के साथ हूँ। समाधान हुआ, समाधान में दो शर्तें, बहुत सारी चीज़ें थी लेकिन जनरल स्मर्स ने ये जो शादी का कानून था वो बदला और प्रत्येक भारतीय नागरिक को 3 पाउंड का जो कर था वो रद्द किया गया, यानी जो दो मुख्य मांग थी वो दोनों मांग स्वीकार की। 1914 के अंत में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका का किनारा छोड़ा और 1915 के आरंभ में वे भारत आए, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका से पहले गोपाल कृष्ण गोखले जी से मिलने के लिए लंदन गए थे, जहाँ की गोखले जी बीमारी के कारण थे।
अपनी प्रयोगशाला से निकला हुआ कोई विज्ञानी विशाल कर्म क्षेत्र में जाते समय जैसा अनुभव करता है, उसी प्रकार का अनुभव लेकर गांधी जी भारत आए थे। जहाज में आते समय उनके मन में सबसे पहले तो भाव वही उठा होगा जिसकी हम तीनों दिन से चर्चा कर रहे हैं, आत्मनिरीक्षण का। लेकिन अब की बार आत्मा का अर्थ कुछ विशाल हो रहा था, क्योंकि वो आत्मनिरीक्षण न सिर्फ मोहनदास गांधी व्यक्ति का था, लेकिन वो आत्मनिरीक्षण उस सत्याग्रह के साधन के विषय में भी था। वो आत्मनिरीक्षण अपने काम, अपने साथियों के बारे में, आने वाले काम के विषय में जो धारणाएं थी उन धारणाओं के साथ भी संबंधित था। वहां जितनी भाषा बोली जा रही थी उनमें से मुख्य तो दो तीन चार भाषाएं थी, लेकिन यहां प्रमुख भाषाएं ही 21 थी। संप्रदाय अधिक थे, जातियां अनगिनत थी। ऐसे एक विशाल क्षेत्र में ये व्यक्ति पहुंच रहा है। आत्मनिरीक्षण करने वाला अपने सामने आने वाली कठिनाइयों का विचार करता है, लेकिन उसके साथ साथ अपनी जो शक्ति है उस शक्ति के विषय में भी वो अज्ञान नहीं रहता। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने बहुत बचपन में, मेरा ख्याल है 8 या 9 साल की उम्र में पहली कविताएं लिखी थी, जिसके विषय में उन्होंने कहा था ये कविताएं नहीं हैं, ये तुकबंदी। लेकिन बाद में एक काव्य जो उन्होंने लिखा, उस काव्य का क्या शीर्षक था, निर्झरेर स्वप्न भंग। झरने का स्वप्न भंग हो गया, उसमें जो भाव है उसके विषय में रविन्द्रनाथ ने कहा था, मेरी कविता का आरंभ वो हुआ। गांधी का हिंद स्वराज निर्झरेर स्वप्न भंग था। चट्टान के नीचे से झरना जैसे निकल आता है, उसे फोड़ कर भी निकल आता है, उस प्रकार का वो झरना था, जिसके विषय में प्रस्तावना में पहला वाक्य लिखा ये था, मुझसे रहा नहीं गया इसीलिए लिखा है। रहा नहीं गया, भर गया था उनका मन, इसलिए लिखा था। क्या था, क्या भूमिका थी जिसके कारण रहा नहीं गया। 1909 में दक्षिण अफ्रीका से दोबारा गांधी जी इंग्लैंड गए थे, दक्षिण अफ्रीका के भारतवासियों के प्रश्नों को लेकर। लेकिन उस समय लंदन में अनेक भारतवासियों से मिले थे, जिनमें से कुछ तरुण क्रांतिकारी थे, कई अंग्रेज़ों से मिले थे, कईयों के साथ चर्चाएं हुई थी। प्रमुख चर्चा, भारत को स्वराज मिलेगा
तो वो स्वराज कैसा होगा उसके संबंध में थी, और दूसरा विषय था स्वराज किस प्रकार मिलेगा। ये दो ही चीज़ें थी, कैसा स्वराज और वो किस प्रकार मिले। हिंद स्वराज का कुल मिलाकर अगर विषय हो तो ये है। शुरू शुरू की किताब है, बिल्कुल नए लोग अगर उसको पढ़ें तो मालूम होगा कि ये क्या गांधी जी की किताब है, अजीब किताब है, जिसके विषय में गोखले जी तक ने ये कहा था कि ये किसी मूर्ख आदमी ने लिखी हुई किताब है। और महात्मा टॉल्स्टॉय ने ये कहा था, ये सिर्फ भारत के लिए नहीं आने वाली दुनिया के लिए उपयोगी हो सके ऐसी किताब है। इतने विभिन्न अभिप्राय थे गांधी के दो गुरुओं के। एक गुरु कहता था ये मूर्ख लोग इस प्रकार से लिखते हैं, जिसमें कहते हैं कि ट्रेन की ज़रूरत नहीं होगी, ट्रेन बंद करेंगे, हमको कोई जहाज की शायद ज़रूरत न हो, ऐसी ऐसी बातें थी। विनोबा जी ने उसके लिए, उस भाषा के लिए एक प्रयोग किया है, वो बहुत समझने लायक प्रयोग है। एक अंग्रेजी शब्द इस्तेमाल किया है और दूसरा संस्कृत। उन्होंने ये कहा है कि हिंद स्वराज की भाषा क्रूड है, लेकिन कैसी? उपनिषद की भाषा जैसी क्रूड। उपनिषद की भाषा, अब वो संस्कृत के पंडित थे इसलिए उसके बारे में वही अभिप्राय दे सकते हैं कि वो क्रूड है, को कालिदास जैसी मंझी हुई भाषा नहीं दिखी होगी, इसलिए कहा उपनिषद की भाषा जैसी क्रूड है, लेकिन उपनिषद जैसी भाषा है जिसके एक एक शब्द का महत्व होता है। उसके विषय में हम थोड़ी सी चर्चा आरंभ में ही कर लेना चाहते हैं, क्योंकि वो पूंजी थी जिस पूंजी को लेकर गांधी जी भारत में प्रवेश कर रहे थे। ये जो पूंजी थी हिंद स्वराज, अजीब सी किताब है। एक तरफ से उसमें वो एक प्रकार से अभियोग पत्र है, कुल मिलाकर एक संस्कृति के बारे में उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया है, सभ्यता, उस सारी सभ्यता के खिलाफ एक अभियोग है, और दूसरी तरफ से एक नई अहिंसक सभ्यता के लिए घोषणा पत्र है। एक तरफ से अभियोग पत्र, दूसरी तरफ से घोषणा पत्र, दोनों को मिलाकर अगर देखें तो हिंद स्वराज। अभियोग मुख्यतः तीन चीजों के बारे में था। हिंद स्वराज था, इस देश को गुलामी से मुक्त होना था, इसलिए स्वाभाविक रूप से सबसे पहला अभियोग जो था वो उपनिवेशवाद के खिलाफ था। इस दुनिया में एक देश दूसरे देश पर जो राज करता था उस गुलामी की प्रथा के विरुद्ध वो घोषणा पत्र। दूसरी तरफ से वो जो संस्कृति बनने जा रही थी, 1909 में जिसका गांधी को दर्शन हुआ था, 2006 में जिसका नंगा नृत्य हम लोग आज भी देख सकते हैं, उस संस्कृति के विषय में जिन्होंने, जिसके विषय में उन्होंने कहा था, जो उपभोगवाद के ऊपर खड़ी है और जिसमें उद्योगवाद के जरिए मनुष्य गौण और यंत्र प्रधान बनता है, ये तीन चीजों के खिलाफ ये घोषणा थी, ये अभियोग था। गुलामी के खिलाफ शरीर को केंद्र में रखकर चलने वाले उपभोगवाद के खिलाफ, और मनुष्य को गौण बनाने वाले यंत्रवाद के खिलाफ। इन तीन चीजों को लेकर उसकी काफी तफसील में गए हैं, उसमें हम नहीं जाए। दूसरी तरफ से उसमें विधायक चीजें भी थी, और कुछ ऐसी विधायक चीजें थी
जो उपनिषद के सूत्रों की याद दिला सके। उदाहरण के लिए स्वराज शब्द की उन्होंने व्याख्या की। स्वराज शब्द अपने देश में सबसे पहले जाहिरा तौर पर अगर प्रकट हुआ तो वो दादा भाई नवरोजी, जो हिंद के दादा कहे जाते थे, उन्होंने सबसे पहली बार स्वराज शब्द की घोषणा की और उस शब्द को काफ़ी व्याप्त कर दिया लोकमान्य तिलक ने, यह कहकर कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध हक है और उसे मैं लूँगा ही, एक प्रतिज्ञा के साथ उसे जोड़ा। उसके कारण उस शब्द का व्यापक अर्थ हो गया, देश के जन जन के हृदय में वो गूंजा। गांधी ने उस स्वराज शब्द की जो कलम थी उस पर एक और कलम चढ़ाई और स्वराज शब्द की जो परिभाषा थी उस परिभाषा को एक नया, उसके ऊपर एक नया रंग चढ़ाया, लेकिन वो गहरा कृष्ण की काली कमली का जो रंग होता था वैसा रंग चढ़ाया। क्या वो परिभाषा थी? स्वराज शब्द तमोगुण में पड़े हुए भारत को जगाने वाला, रजोगुण व्यक्त करने वाला शब्द था। गांधी ने उस पर सत्व गुण का पुट चढ़ा दिया, स्वराज की व्याख्या यह कहकर। उन्होंने कहा कि स्वराज का अर्थ जो किया जाता है कि स्वराज माने मेरा राज, मुझे लगता है कि इतना सादा नहीं, उससे थोड़ा ज़्यादा गहरा अर्थ है। स्वराज माने मेरे ऊपर राज, केवल षष्ठी विभक्ति प्रत्यय नहीं मेरा, लेकिन मुझ पर, जिसमें आदमी का अपने ऊपर राज ना हो वो स्वराज क्या कहा जाएगा। सीधी सी बात मालूम होती है लेकिन अर्थ उसका काफी गंभीर हो जाता है। केवल यूनियन जैक नीचे उतर जाए और तिरंगा झंडा ऊपर उठ जाए ये स्वराज नहीं है। स्वराज का अर्थ है मैं अपने इंद्रियों पर, अपनी वासनाओं पर, अपने, मैं तो ये कहूँगा, मनोरथों पर, महत्वाकांक्षाओं पर भी जिसका अंकुश हो उसने स्वराज पाया। तो गांधी ने जो भाष्य किया वो भाष्य ये था कि स्वराज माने स्वयं अपने ऊपर अंकुश।